प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। है शास्त्रों में आया वर्णन ये बालाजी का, सब पढ़ ले ज्ञानी ज्ञानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। हनुमान जी बड़े ही पराक्रमी एवं बलवान हुए हैं। बाल्यकाल से ही उनके पराक्रम की कथाएं विख्यात है, आइए सुनिएगा। मांजना के ललना कहते हैं जिनको हनुमान, बेहद है शक्तिशाली वो है बड़े ही बलवान। किस्सा है बालपन का सुनिएगा ध्यान देकर, सूरज को अपने मुख में रखा था फल समझ कर। ये बाल सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और आइए, जब संकट में घिरते हैं तो हनुमान जी किस तरह काम आते हैं? संकट में घिर के इनको जब भक्त गण पुकारे, भक्तों को संकटों से महावीर जी उभारे। संकट मोचन की पदवी रामेष्ट ने है पाई, दीना दुखी की बिगड़ी है आपने बनाई। संकट की जब घड़ी हो हनुमत जी को पुकारो, मुक्ति अगर हो पानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। बजरंग बली महाराज की जय। बजरंग बली महाराज श्री रामचंद्र के पुजारी हैं और किस तरह सेवा करते हैं? श्री रामचंद्र जी के बजरंगी है पुजारी, करते हैं रात दिन ये रघुवर की सेवादारी। आदेश इनको जब भी देते हैं स्वामी रघुवर, आज्ञा का पालन करते अभी राम है कपीश्वर। दुनिया सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। भक्तों, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के परम भक्त, आइए देखते हैं हनुमान जी का बल। शनि देव बोले हनुमत देखो तुम्हारी ताकत, मुझसे लड़ो तुम आकर, तुम में अगर है हिम्मत। शक्ति का झंडा फिर तब हनुमान जी ने गाड़ा, दिन करके लाडले को एक आन में पछाड़ा। रण में पछाड़ खाई देखो ना काम आई, शनि की बलवानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी।
हनुमान की जय। आइए देखते हैं कि किस तरह हनुमान जी ने शनि देव को मुक्ति दी। कर जोड़ कर शनि देव बोले के है गदाधर, कोई नहीं है योद्धा पृथ्वी पे तुमसे बढ़कर। अनुयायी जो भी जग में होंगे तेरे मारुति, उन पर मैं भूल कर भी डालूंगा ना को दृष्टि। कांपेंगे सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। अंजनी पुत्र की जय। देखिए किस तरह हनुमान जी ने घमंड का नाश किया। रस्ते के बीच में जब देखा एक बूढ़ा बंदर, कुंती के लाल बोले भीम क्रोध में आए तब। रस्ते के बीच में तुम सोए हो क्यों बताओ, हनुमत बोले तुम ही मुझको जरा उठा दो। जब पूछ उनकी पकड़ी उठी ना वो भीम से भी महंगी पड़ी अभिमानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। भक्तों, माँ सीता के मांग में सिंदूर भरने को लेकर हनुमान जी ने पूछा। आइए क्या पूछा। सीता जनक दुलारी मांग अपनी भर रही थी, स्वामी को याद करके श्रृंगार कर रही थी। हनुमान ने जो देखा कर जोड़ करके पूजा, क्यों मांग कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और हनुमान जी महाराज ने उस सिंदूर को अपने पूरे तन पर लगा लिया और कहा, ने अपने पूरे तन को किया सिंदूरी। माता के पास जाकर कहने लगे मारुति, मैंने भी अपनी काया सिंदूरी कर ली माता। स्वामी की आयु तब तो बढ़ जाएगी ना ज्यादा। देखा जो प्रेम ऐसा उनको हुआ अचंभा, अच्छी लगी नादानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। आगे दे
देखिए हनुमान जी किस तरह संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं। आइए। शक्ति का बाण लगते मूर्छित हुए जो लक्ष्मण, श्री वैद्य बोले लानी होगी बूटी संजीवन। हनुमत उड़े चले फिर स्वामी के पाके आज्ञा, संजीवन बूटी लाके कर्तव्य है निभाया। पाई संजीवन बूटी हालत लखन की सुधरी, पहुंची ना उनको हानि। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। और हनुमान जी महाराज को माँ सीता ने बहुमूल्य हार उपहार में दिए, और उन्होंने उस हार का क्या किया, आइए। बहुमूल्य हार देकर सीता जी बोली हनुमान, लो यह मेरी निशानी, बेहद है बेश कीमत। हनुमान ने जो देखे मणियों से सजी माला, और देख कर उसे फिर दांतों से तोड़े डाला। उपहार सीता माँ का हनुमान कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और इसके बाद माँ जानकी हनुमान जी से पूछते हैं कि बताओ हनुमान, तुमने ये हार तोड़ा तो क्यों तोड़ा। माँ जानकी ने पूछा हनुमान ये बताओ, क्यों हार तुमने तोड़ा, क्या भेद है सुनाओ। हनुमान बोले इसमें स्वामी नहीं है माता, जिसमें प्रभु न दिखते उपहार है वो कैसा। इस वास्ते है माता उपहार की वो मुझको पड़ी हटाने। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। हनुमान जी महाराज ने भरी सभा में किसी तरह अपनी भक्ति का प्रमाण दिया। आइए सुनते हैं क्या प्रमाण दिया। हनुमान की सभा के सब लोग बोल उठे, मेरे तन बदन में श्री राम जी है बसते। हनुमान जी ने अपनी फिर छाती चीर डाली, श्री राम और सिया के उनको छवि दिखा दी। हनुमान प्यार की निशानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। हनुमान जी महाराज किस तरह से प्रभु श्री राम की अंगूठी लेकर माँ सीता के पास पहुँचे, आइए सुनते हैं कैसे। रावण की कैद में थी जब पंचवटी में सीता, स्वामी की लेके मुदरी तब राम दूत पहुँचा। माँ को प्रणाम करके हनुमान जी बोले, स्वामी की मुदरी है स्वीकारी
कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और किस तरह स्वामी के साथ हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करते हैं और चढ़ाई कर देते हैं, आइए देखिए। स्वामी के संग पहुँचे हनुमान लंका नगरी, रावण की स्वर्ण लंका पे कर दी फिर चढ़ाई। असुरों और दानों ने भी फिर सोची ऐसी युक्ति, वानर समझ के अग्नि उनकी पूछ में लगा दी। हनुमान कुछ न बोले, वो चारों ओर दौड़े, लंका थी जो जलाने। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। हनुमान जी महाराज को क्यों ये जग संकट मोचन कहता है, जो भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं, आइए सुनते हैं। हनुमान जी को ये जग कहता है संकट मोचन, भक्तों के संकटों को हर लेते हैं ये हनुमान। है अंजनी के ललना, भक्तों बड़े दयालु, करते हैं सब पे कृपा, वो है बड़े कृपालु। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की ये कहानी। बड़ा मन भावन है, सुगंधित उपवन है, ए भक्तो धाम इसाला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम इसाला सर बड़ा मन भावन है, बड़ा मन भावन है, सुगंधित उपवन है, ए भक्तो धाम इसाला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम इसाला सर बड़ा मन भावन है। आके व्याकुल मन को मिलती है बड़ी शांति, मिलती है बड़ी शांति, मिलती है बड़ी शांति। यहाँ पे आके विचलित आत्मा को मिलती है मुक्ति, मिलती है बड़ी मुक्ति, मिलती है बड़ी मुक्ति। न कोई उलझन है, न कोई टेंशन है, ए भक्तो धाम इसाला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम इसाला सर बड़ा ही पावन है, बड़ा मन भावन है, सुगंधित उपवन है, ए भक्तो धाम इसाला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम इसाला सर बड़ा मन भावन है। आँखों से होता है दर्शन, होता है ये दर्शन, होता है ये दर्शन। सालासर महाराज की दया से ज्योति पाते नैनन, ज्योति पाते नैनन, ज्योति पाते नैनन। ये ऐसा दर्पण है कराता दर्शन है,
ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा ही पावन है। बड़ा मन भावन है सुगंधित उपवन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा मन भावन है। रंक जो आते यहाँ सभी वो राजा बन कर जाते। राजा बन कर जाते, राजा बन कर जाते। हर इच्छा हर कामना अपने मन की है वो पाते। मन की है वो पाते, मन की है वो पाते। जो आते निर्धन है वो सब पाते धन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा मन भावन है। बड़ा मन भावन है सुगंधित उपवन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा मन भावन है। मंदिर के प्रांगण में जलती रहती जो धुनी है। जलती जो धुनी है, जलती जो धुनी है। इस धुनी की ज्योत से रोशन ये सारी सृष्टि है। ये सारी सृष्टि है, रोशन ये सारी सृष्टि है। प्रकाशित रोशन है इसी से त्रिभुवन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा मन भावन है। बड़ा मन भावन है सुगंधित उपवन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा मन भावन है। बड़ा मन भावन है सुगंधित उपवन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा मन भावन है। बड़ा मन भावन है सुगंधित उपवन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा ही पावन है। ए भक्तो धाम ये साला सर बड़ा मन भावन है। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। है शास्त्रों में आया वर्णन ये बालाजी का, सब पढ़ ले ध्यान ज्ञानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। हनुमान जी बड़े ही पराक्रमी एवं बलवान हुए हैं। बाल्य काल से ही उनके पराक्रम की कथाएं विख्यात है। सुनिएगा। माँ अंजना के ललना कहते हैं जिनको हनुमान। बेहद है शक्तिशाली वो है बड़े ही बलवन। किस्सा है बालेपन का सुनिएगा ध्यान देकर। सूरज को अपने मुख में रखा था फल समझकर। ये बाल ब्रह्मचारी ये वीर गदाधारी ये है तपस्वी ध्यानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक
सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और आइए, जब संकट में घिरते हैं तो हनुमान जी किस तरह काम आते हैं। संकट में घिर के इनको जब भक्त गण पुकारे, भक्तों को संकटों से महावीर जी उबारे। संकट मोचन की पदवी रामेश्वर ने है पाई, दीन और दुखी की बिगड़ी है आपने बनाई। संकट की जब घड़ी हो हनुमत जी को पुकारो, मुक्ति अगर हो पानी सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। बजरंगबली महाराज श्री रामचंद्र जी के पुजारी हैं और किस तरह सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बजरंगी हैं पुजारी, करते हैं रात दिन ये रघुवर की सेवादारी। आदेश इनको जब भी देते हैं स्वामी रघुवर, आज्ञा का पालन करते अविराम है कपीश्वर। दुनिया ने ये है देखा हनुमत ने स्वामी आज्ञा, हर हाल में है मानी सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। भक्त जनों, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के परम भक्त, आइए देखते हैं हनुमान जी का बल। शनि देव बोले हनुमत देखो तुम्हारी ताकत, मुझसे लड़ो तुम आकर तुम में अगर है हिम्मत। शक्ति का झंडा फिर तो हनुमान जी ने गाड़ा, दिन करके लाडले को एक आन में पछाड़ा। रण में पछाड़ खाई देखो न काम आई, शनि देव की बलवानी सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए देखते हैं किस तरह से शनिदेव को मुक्ति दिया हनुमान जी। कर जोड़ कर शनिदेव बोले के हे गदाधर, कोई नहीं है योद्धा पृथ्वी पे तुमसे बढ़कर। अनुयायी जो भी जग में होंगे तेरे मारुति, उन पर मैं भूल कर भी डालूंगा ना कुदृष्टि। कांपेंगे वो ना डर से मेरी बुरी नजर से, बच जाएंगे वो प्राणी सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। अंजनी पुत्र की जय।
देखिए किस तरह हनुमान जी ने घमंड का नाश किया। रस्ते के बीच में जब देखा एक बूढ़ा बंदर, कुंती के लाल बोले भीम क्रोध में तब भर कर। रस्ते के बीच में तुम सोए हो क्यों बताओ, हनुमान बोले तुम ही मुझको जरा उठा दो। जब पूछ उनकी पकड़ी वो भीम से न उठी, महंगी पड़ी अभिमानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। माँ सीता के मांग में सिंदूर भरने को लेकर हनुमान जी ने पूछा कि माँ, सीता जनक दुलारी मांग अपनी भर रही थी, स्वामी को याद करके श्रृंगार कर रही थी। हनुमान ने जो देखा कर जोड़ करके पूछा, क्यों मांग में है लाली कारण बताए इसका। बोली जनक दुलारी इससे मेरे स्वामी जी पाएंगे आयुष्मानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और हनुमान जी महाराज ने उस सिंदूर को अपने पूरे तन में लगा लिया और कहा, हनुमत ने अपने पूरे तन को किया सिंदूरी, माता के पास जाकर कहने लगे मारुति। मैंने भी अपनी काया सिंदूरी कर ली माता, स्वामी की आयु अब तो बढ़ जाएगी न ज्यादा। देखा जो प्रेम ऐसा उनको हुआ अचंभा, अच्छी लगी नदानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और आगे देखिए हनुमान जी किस तरह संजीवन बूटी लेकर आते हैं और लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं। शक्ति का बाण लगते मूर्छित हुए जो लक्ष्मण, श्री वैद्य बोले लानी होगी बूटी संजीवन। हनुमान उड़ चले फिर स्वामी की पाके आज्ञा, संजीवन बूटी लाके कर्तव्य है निभाया। पाई संजीवन बूटी हालत लखन के सुधरी, पहुंची न उनको हानि। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और हनुमान जी महाराज को माँ सीता ने बहुमूल्य हार उपहार में दिए और उन्होंने उस हार का क्या किया। बहुमूल्य हार देकर सीता जी बोली, हनुमत लो ये मेरी निशानी बेहद है बेश कीमत। हनुमान ने जो देखी मणियों से सजी माला, और देख कर उसे फिर
दांतों से तोड़ डाला उपहार सीता माँ का। हनुमान ने जो तोड़ा सबको हुई हैरानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और इसके बाद माँ जानकी हनुमान जी से पूछने लगती है कि हनुमान बताओ तुमने ये हार तोड़ा तो क्यों तोड़ा। माँ जानकी ने पूछा हनुमान ये बताओ क्यों हार तुमने तोड़ा क्या भेद है सुनाओ। हनुमान बोले इसमें स्वामी नहीं है माता जिसमें प्रभु न दिखते उपहार है वो कैसा। इस वास्ते ऐ माता उपहार की वो माला मुझको पड़ी हटानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और हनुमान जी महाराज ने हरि सभा में किस तरह अपनी भक्ति का प्रमाण दिया आइए सुनते हैं। हनुमान के सभा के सब लोग बोल उठे क्या तेरे तन बदन में श्री राम जी हैं बसते। हनुमान जी ने अपनी फिर छाती चीर डाली श्री राम और सिया की उनको छवि दिखा दी। हनुमान बोले भक्तों लो ध्यान से तुम देखो ये प्यार की निशानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और हनुमान जी महाराज किस तरह से प्रभु श्री राम की अंगूठी लेकर माँ सीता के पास पहुंचे आइए सुनते हैं। रावण की कैद में थी जब पंचवटी में सीता स्वामी की लेह के मुंदरी तब राम दूत पहुंचा। माँ को प्रणाम करके हनुमान जी यूं बोले स्वामी के मुंदरी है ये स्वीकार इसको कीजिए। श्री राम जी की मुंदरी माँ जानकी को दे दी मुंदरी माँ ने पहचानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। और किस तरह स्वामी के साथ हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करते हैं और चढ़ाई कर देते हैं और देखिए। स्वामी के संग पहुंचे हनुमान लंका नगरी रावण की स्वर्ण लंका पे कर दी फिर चढ़ाई। असुरों और दानवों ने फिर सोची ऐसी युक्ति वानर समझ के अग्नि थी पूछ में लगा दी। हनुमान कुछ न बोले वो चारों ओर दौड़े लंका थी जो जलानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी।
और हनुमान जी महाराज को क्यों ये जग संकट मोचन कहता है, जो भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं, आइए सुनते हैं। हनुमान जी को ये जग कहता है संकट मोचन, भक्तों के संकटों को हर लेते हैं ये हनुमान। है अंजना के ललना भक्तों बड़े दयालु, करते हैं सब पे कृपा वो है बड़े कृपालु। वो दानी है वरदानी, ज्ञानी भी है और ध्यानी, करते हैं मेहरबानी। सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक बालाजी की कहानी, सुनिएगा प्रेम पूर्वक हनुमान की कहानी। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, जग के सारे दासों में, जग के सारे दासों में उनका प्रथम स्थान। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, राम भक्त हनुमान। अंजना माँ के लाडले है ये बजरंगी, इन जैसा बलवान नहीं जग में और कोई। होठों पे इनके रहता हरदम राम का नाम, राम का नाम ही रटते हैं ये सुबह शाम। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, सेवक इन जैसा नहीं जग में और कोई। रखते हैं सीने में छवि ये सिया राम की ही, रघुवर को अपना स्वामी मानते हैं हनुमान। रामचंद्र भी छिड़कते हैं इन पर अपनी जान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, राम भक्त हनुमान। स्वामी की आज्ञा का यूं करते हैं पालन, पवन वेग से उड़कर वो जाते हैं फौरन। पूरा कर लाते हैं वो दिया गया हर काम, प्रेम से फिर बजरंग बली कहते जय श्री राम। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, राम भक्त हनुमान। जानती है इस बात को ये दुनिया सारी,
पवन पुत्र हनुमान है बाल ब्रह्मचारी, मंगलवार को करते हैं भक्त उनका पूजन, मन चाहा वर देते हैं भक्तों को हनुमन। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, राम भक्त हनुमान। राजा रंक पे रखते हैं एक जैसी दृष्टि, हनुमान के दरबार की यही तो है खूबी, मन वांछित फल पाता है इनसे हर मंगता, सबकी झोली भरता है अंजना का लाला। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, राम भक्त हनुमान। भक्त जो नित दिन पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, उन पर भूत प्रेतों का साया नहीं होता, भय से मुक्त वो रहते हैं कहीं नहीं डरते। मृत्यु अकाल भी ऐसे लोग कभी नहीं मरते, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, राम भक्त हनुमान। बजरंगी के जाप से मन को मिले शांति, बजरंगी के जाप से मोक्ष है और मुक्ति। नित्य प्रतिदिन जो करे हनुमान का सिमरन, ऐसे मानव का सफल होता है जीवन। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, बजरंगी का हृदय है बड़ा ही करुणामयी, भक्तों की पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती। दुखड़े अपने भक्तों के हरते हैं हनुमान, कृपा अपने भक्तों पे करते हैं हनुमान। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, राम भक्त हनुमान। बड़े ही शक्तिशाली है बड़े हैं वो बलवान, चाहे समस्या कोई हो करते हैं समाधान।
विशाल काय है गदाधारी पवन सूत हनुमान, रघुवर के चरणों में वो रखते हैं स्थान। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, के जब रावण ले गया पंचवटी में ले जाकर बंधी उन्हें किया। स्वामी की मुंदरी लेकर चले जब बजरंगी और लंका में जाकर दी माता को मुंदरी। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, ललित से बोले फिर राम भक्त हनुमान। जल्दी ही आएंगे माँ स्वामी राम भगवान, रावण के पंजे से वो मुक्त कराएंगे और अयोध्या नगरी वो लेकर जाएंगे। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान राम भक्त हनुमान। लक्ष्मण जी को जिस घड़ी शक्ति बाण लगा मूर्छित होकर गिर पड़े राम जी के भ्राता। रघुवर ने तब आज्ञा दी बजरंगी जाओ, भोला गिर से जाकर तुम संजीवनी लाओ। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, लेकर हनुमत निकल पड़े। पवन वेग से उड़ते हुए बजरंग चल पड़े, समय पे संजीवनी बूटी लेकर वो आए। तभी तो लक्ष्मण भैया के प्राण है बच पाए। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान, पग पर श्री राम के साथ है वो रहते। उनकी हर एक बाधा को हनुमान है सहते। रामायण में आया है उनका ये वृतांत, जिसके पाठ से होता है
भक्तों का मनसा पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान जय हनुमान जय हनुमान राम भक्त हनुमान पूछ में उनकी असुरों ने जब के लगाई आग फिर तो सारी लंका में मच गई भागम भाग नाच नाच के हनुमत ने सब कुछ जला दिया जल गई सोने की लंका रावण चकरा दिया पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान के हाथों फिर हुआ रावण का संहार एक ही बाण में मिट गया उसका अत्याचार पांव में घुंघरू बांध के नाचे तब हनुमत रामायण की ये कथा हो गई संपन्न पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान जय हनुमान जय हनुमान राम भक्त हनुमान हनुमान सा सेवक कोई हुआ है ना होगा इसीलिए कहलाते वो दासों के राजा भक्त कई उनको अपना गुरु बनाते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनको शीश झुकाते हैं पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान जय हनुमान जय हनुमान राम भक्त हनुमान जब देखो हनुमान की है कितनी प्यारी पवन पुत्र कहलाते हैं रुद्रावतारी उनकी स्तुति करके स्वर्ग का सुख मिलता उनकी आराधना करने से मोक्ष का द्वार खुलता पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान दरबार में जो भी आएंगे मंगते जो भी मांगेंगे वो ही पाएंगे लौट के खाली इस दर से कोई न जाएगा हर कोई अपनी झोली भर ले आएगा पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान पुरुषोत्तम श्री राम के
मिलके हम करे यही विनती, बजरंगी हम पर करे सदा कृपा दृष्टि। संकट की जब आए घड़ी हनुमान जी आए, कष्ट और संकट से हमको मुक्ति दिलवाए। पुरुषोत्तम श्री राम के परम दास हनुमान,